ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। टीबी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है, जिसके लिए आशा वर्कर घर घर जाकर एक दिन में 80 लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करती हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उनकी जांच के लिए भी कार्य किया जाता है। सीएमओ डॉक्टर के पराशर ने बताया कि बैठक में उपस्थित बीएमओ समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों को टीबी की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक आशा वर्कर को लक्ष्य दिया जाता है कि सप्ताह में एक दिन घर घर जाकर 80 लोगों से संपर्क करें और उन्हें टीबी के प्रति जागरूक करें। अगर किसी में टीबी के लक्षण खांसी जुखाम पाए जाते हैं तो उनका तुरंत आशा वर्कर टीबी टेस्ट करवाती हैं, ताकि समय पर रोगी का उपचार शुरू किया जा सके। NTEP जिसको हम बोलते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत हम आज मासिक बैठक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये मीटिंग हमारी हर महीने होती है। इसमें हमारे ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो चल रही हैं उसके बारे में मॉनिटरिंग की जाती है, और इसमें सारा फील्ड स्टाफ हमारा BMO जो फील्ड स्टाफ सारा आता है। और इसमें हमारा जो मकसद होता है कि ट्यूबरक्लोसिस के केस को जल्दी से जल्दी उन्हें डिटेक्ट करना और जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट पर डालना, जिससे कि वो बीमारी आगे स्प्रेड ना करे। इसमें मेन यही होता है कि जितनी जल्दी हम पेशेंट को डिटेक्ट कर लेंगे उतनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट पर डाल देंगे और उससे फर्दर स्प्रेड रुक जाएगा। तो इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर मीटिंग में चर्चा की जाती है। इसमें किस तरह से इस बीमारी को रोक सकते हैं उसके बारे में ये हर महीने ये बैठक आयोजित की जाती है। नाहन से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में जैसे जैसे त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, वैसे वैसे बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी के चलते जहां लोगों का कारोबार दोबारा पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, वहीं त्योहारों के चलते लोग बाजारों में आकर खूब खरीदारी भी करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते CHC नालागढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में, मास्क लगाने और कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के चलते बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, मात्र सरकार की ओर से छूट दी गई है, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाकर लोग खुद व अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करने में सहयोग दे सकते हैं। दिनों में अपने त्योहारों को मनाना भी है, परंतु साथ में हमें सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पूर्ण रूप से पालन करना है। जैसे कि हमें, यदि हम बाहर आते हैं, बाजार जाते हैं, तो हमें मास्क लगाकर अवश्य निकलना चाहिए, बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें। और मास्क जो है वो नाक और मुंह को पूरी तरह से ढका होना चाहिए। जब भी किसी शॉप में जाएं, किसी दुकान में जाएं या किसी दूसरे से बात करें, तो सामाजिक दूरी 6 फीट की हमेशा बनाए रखें। आपकी जेब में सैनिटाइजर अवश्य होना चाहिए जब भी आप बाहर बाजार जाते हैं, क्योंकि आपको कई चीज़ें देखेंगे। अनावश्यक चीज़ों को मत छुएं, जब भी किसी चीज़ों को छुएं तो हाथ को सैनिटाइज जरूर करें, और जब भी मौका मिले तो हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। बहुत अच्छी रौनक है, लोगों में उत्साह है नवरात्रों को लेकर, करवा चौथ को लेकर। क्या लग रहा है, सेल सुल हो रही है आप लोगों की? सेल है, मगर इतना जोश नहीं है कस्टमर में खुलकर सामान ले सके। अभी मतलब जो नवरात्रों में काम निकला है बाजार में, अच्छा काम चला है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आजकल इकॉनमी डाउन हुई है वो भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। जैसा कि बार बार सरकार यही बोल रही है, मास्क का प्रयोग करो, दूरी बनाकर रखो, सर इसके बारे में क्या बोलना है? ये बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और बाजार में जितना ज़्यादा रश पड़ रहा है उसके हिसाब से मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। और कस्टमर अब अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही आ रहा है करवा चौथ का सामान लेने की रश नहीं, खुद ही समझदार हो गए हैं।
नालागढ़ से श्रमिक मंत्र संवाददाता निशा ठाकुर के साथ अनवर हुसैन की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स एमकॉम, बीए एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।